हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियों का जामवाड़ा लगा है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से गाड़ियों की लंबी कतार लगती है, तो वहीं एमएलए क्रॉसिंग से लेकर पुराना बस स्टैंड तक गाड़ियां कछुआ चाल में चल रही है। तो वहीं सप्ताह का पहला दिन होने के चलते स्कूल जाने वाले स्टूडेंट और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को जाम से जूझना पड़ रहा है। जाम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 200 सिपाही तैनात किए गए हैं, लेकिन इनकी तैनाती का कोई फायदा नहीं दिख रहा। जाम को लेकर शिमला पुलिस का कहना है कि वीकेंड पर राजधानी में सैलानियों की भरमार लगती है, इसके साथ ही पार्किंग फुल है। ऐसे में लोगों ने सड़क किनारे मनमाने ढंग से गाड़ियां खड़ी कर दी है, जो ट्रैफिक जाम कर रही हैं। तो वहीं जगह जगह से 2 से 3 ट्रैफिक कर्मी लगाए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।